हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रशांत चौधरी हूँ, सीनियर कंसल्टेंट आकाश हेल्थ के द्वारका न्यू दिल्ली में। आज हम बात करेंगे मिथ्स अबाउट कैटरेक्ट सर्जरी। सबको पता है कि जब हमारी आंख का लेंस सफ़ेद होता है उसको हम सफ़ेद मोतियाबिंद बोलते हैं, कैटरेक्ट बोलते हैं। ऑपरेट करके कैटरेक्ट को निकाल के उसकी जगह पर लेंस डाला जाता है तो उसके दृष्टि वापस आ जाती है इससे। अब लोगों में ये धारणा है कि मोतियाबिंद जो है ड्रॉप्स से ठीक किया जा सकता है। अनफॉर्चुनेटली ये सही नहीं है। कैटरेक्ट एक बार उसका प्रोटीन जो है डीनेचर हो जाए तो वो डीनेचर प्रोटीन को वापस ट्रांसपेरेंट प्रोटीन नहीं बनाया जा सकता। दूसरी धारणा है कि कैटरेक्ट सर्जरी बहुत पेनफुल प्रोसीजर है, तो ये बिल्कुल गलत है। कैटरेक्ट सर्जरी के टाइम हार्डली पता चलता है, हल्का सा प्रेशर महसूस होता है, तो इट इज़ अ पेन फ्री प्रोसीजर। तीसरा है कि इंजेक्शंस लगते हैं कैटरेक्ट सर्जरी के पहले, बेहोश किया जाता है, उस सब की आजकल में कोई आवश्यकता नहीं। जो हमारे टेक्नोलॉजी का लेवल पहुंच गया है, केवल एक ड्रॉप डालते हैं आंख में और उसके बाद पेशेंट इज़ कंफर्टेबल, कोई पेन नहीं होता। फिर एक चीज़ बोलते हैं कि मेरे तो आंख बनी है, आंख को छू नहीं सकती हूँ। लोग 10-10 साल तक आँख छूते नहीं हैं, ये गलत है। सर्जरी एक बार हो जाए तो एक महीने के बाद आपका लेंस पूरा सेट हो जाता है। महीने के बाद आप आंख को मल सकते हैं, पानी की छींटे डाल सकते हैं, हर एक चीज़ कर सकते हैं जो पहले करते थे। लेंस नहीं हिल सकता है तो उसके लिए आप निश्चिंत हो सकते हैं। फिर एक धारणा है कि मोतियाबिंद दोबारा से आ जाएगा कुछ सालों बाद। अब मोतियाबिंद में आपने लेंस तो निकाल दिया है, तो लेंस जो पहले क्लियर था, सफ़ेद हुआ, इसको निकाल दिया, कुछ रहा ही नहीं उस आँख के अंदर जिसमें मोतियाबिंद दोबारा से बन सके, तो दोबारा मोतियाबिंद आने की कोई संभावना नहीं है। फिर एक धारणा है कि मोतियाबिंद के बाद मोटा चश्मा लगता है या पढ़ने का चश्मा कंपलसरी है। बहुत हमारे पास ऐसे अच्छे लेंसेज हैं जिसमें आपको दूर का पास का बिना चश्मे के भी दिख सकता है, पर वो सबके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, तो चेकअप पे हम बता पाते हैं कि आपके लिए ये लेंस पॉसिबल है। तो ये सब कुछ धारणाएँ हैं जो हमारे मरीज हमसे रोज़ पूछते हैं। तो ऐसे बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होती हैं लोगों को, धारणाएं होती हैं, पर हर एक इंसान के लिए थोड़ा सा यूनिक होती हैं। देख के एक समझ आता है कि आपके केस में ये चीज़ कुछ अलग है। तो कुछ भी आपको ऐसा डाउट हो तो आप हमसे आके मिल सकते हैं। डर मन से हटा दीजिए कि मोतियाबिंद में कुछ दर्द होता है या दिक्कत होती है। इट इज़ अ वेरी कम्फर्टेबल प्रोसीजर। थैंक यू।